अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। आज हम बनाएंगे स्पाइसी स्टीम टिक्का। काफ़ी सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि मैं पैन में भी टिक्का बनाना सिखाऊं, क्योंकि ओवन हर घर में नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि पैन में टिक्का किस तरह बनाया जाता है स्टीम में। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1 kg चिकन है। अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया है और डीप कट्स लगा लिए हैं। और ये मैंने जिंजर गार्लिक लिया है तकरीबन 2 tablespoons। एक सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने डाली है, मोटी मोटी कुटी हुई है वो भी। और कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 1 teaspoon। साबुत धनिया और ज़ीरा 1 teaspoon लेके मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1.5 teaspoon। हल्दी यानी टर्मेरिक 1/2 teaspoon। कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/2 teaspoon। रेड फूड कलर है थोड़ा सा। गरम मसाला 1 teaspoon। एक अंडा है मेरे पास, 2 lime हैं, इनका मैंने जूस, लेमन जूस मैं यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास वेनेगर है, ये तकरीबन 1 tablespoon मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मुझे चाहिए होगा, तकरीबन 1 tablespoon। और ये चिकन टिक्का जो है, ये अगर आप डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहें तो आप इसमें से अंडा स्किप करके योगर्ट भी डाल सकते हैं, या विदाउट योगर्ट भी या विदाउट एग भी आप बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो अभी मैंने करना ये है कि मैंने इन तमाम चीज़ों को इस बाउल में डालूंगी और फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तमाम चीज़ें मैंने इस बाउल में डाली हैं, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथ से। ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हैं कि इसमें मैंने जो चिली यूज़ की है, सब्ज़ मिर्च, वो बहुत तीखी है और समटाइम हाथों पे बहुत उससे जलन हो जाती है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छी तरह। अब हम इसमें चिकन के सारे पीसेस 1 by 1 डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। सारे इकट्ठे मत डालें, 1 by 1 डालें, साइड पे करते जाएं इस तरह। रेस्टोरेंट में भी टिक्के का कलर इसलिए इतना रेड होता है क्योंकि वो लोग भी फूड कलर यूज़ करते हैं। अगर आपको फूड कलर पसंद ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेड कलर पसंद ना हो तो आप येलो फूड कलर, जो सेफ्रॉन कलर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्लिट्स के अंदर भी लगाएं और हमेशा हाथ से मिक्स करें। ग्लव्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली गर्मियों में अगर हरी मिर्च या लाल मिर्च की जलन होने लग जाए आपके हाथों पे तो फिर वो जल्दी नहीं जाती। और यहाँ गल्फ में तो पानी भी टैप्स में काफ़ी गर्म आ रहा होता है, अगर गर्म पानी से जलन वाले हाथ धो लो तो और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है वो। तो इसलिए बी केयरफुल फ्रेंड्स। ये देखें मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है सारे चिकन को। अब मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 3 hours के लिए। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 2-3 hours एटलीस्ट आप इसको फ्रिज में रखें, फिर 2-3 hours के बाद मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। चिकन मैरिनेट हो गया है हमारा। अब मैंने करना ये है कि एक पैन को मैं हीटअप कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे चिकन में भी थोड़ा ऑलिव ऑयल है। और इसके अंदर अब मैं इस चिकन की लेयर लगा दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन। इस रेसिपी से आप बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और गैदरिंग्स वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा आइडिया, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं बड़े बर्तन में। बाकी खाने के साथ 2-3 chicken आप लेके ये वाली डिश भी बना के रख सकते हैं। इसको आप बेक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह लगा ली है लेयर्स। अब ये जो मसाला बचा है ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी।
बाकी जो मसाला बचा हुआ था मैरिनेशन का वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं आंच को थोड़ा तेज़ कर दूंगी, जब सही से इसमें स्टीम बनने लग जाएगी तो तब मैं इसको ढक के, ये देखिए स्टीम बनने लग गई है, अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के मैं तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने दूंगी। 15-20 मिनट पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इन बिटवीन आपने ये करना है, 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। चिकन की एक साइड जो है वो पूरी तरह से डन हो चुकी है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये 10 मिनट्स में ये तकरीबन हो गया है। आंच जो है वो बिल्कुल हल्की है, अभी हम इसको हल्की आंच पे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। देखें व्यूअर्स, टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी है और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो उसके लिए मैंने ये एक पैन लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डालूंगी और इस टिक्के को अब मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। ये परफेक्टली कुक्ड है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का हल्का मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है, इस तरह से बारी बारी सारे पीसेस रख के मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टिक्के को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप बनाएं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा सलूशन है, अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इस तरीके से बनाएं और अपने मेहमानों को पेश करें। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।